हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज मैं ये अनबॉक्स करने वाली हूँ। OTG है ओवन, तो आज हम लोग इसे अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे ये कैसा है, और मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी कि ये किस टाइप का है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो कुछ इस टाइप का इसका बॉक्स है और ऊपर इसके थर्माकोल पड़ा है ताकि इसकी प्रोटेक्शन के लिए। और फिर जब खोलेंगे तो एक बबल रैप में हमें थोड़े इसके जो स्टेंसिल्स होते हैं वो मिलेंगे, जो कि हमारे ओवन के अंदर यूज़ होंगे, ट्रे वगैरह एंड हैंडल। और ये रहा हमारा OTG ओवन। तो हम लोग पहले तो सारे ये थर्माकोल निकाल लेंगे। थर्माकोल लगा के इन्होंने इसकी प्रोटेक्शन के लिए लगाया ताकि इससे डैमेज ना हो। तो ये मैंने इसको निकाल लिया है। इसके ऊपर एक पन्नी चढ़ी हुई है, तो चलो इसको भी हटा लेंगे। और ये इसका पूरा फुल बॉक्स है। और ये देखिए, ये मैंने इसे उल्टा करके निकाल लिया है। ये तो ये पूरी हमारी निकल चुकी है। ये है इसकी बैक साइड। तो अभी मैं इसे सीधा करूँगी और आपको बताऊँगी ये किस टाइप में है। तो ये जो है OTG, ये है लाइफ लॉन्ग कंपनी की। और बहुत देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, मतलब ब्लैक कलर की है। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। तो ये पीछे का इसका एरिया है और ये इसमें प्लग लगा है, ये देखिए। और मैं आपको बता दूँ, ये मैं हम लोग ने ऑनलाइन मंगाया है। ये है इसका हैंडल, जिससे जो ट्रे होती हैं वो जब गर्म होंगी ना तो हम उनको पकड़ सकते हैं इससे। ये जो हमारा सारे इसके वारंटी कार्ड वगैरह है, मैनुअल है। और ये रही इसकी ट्रे, तो एक ग्रिल ट्रे और एक नॉर्मल जैसी ट्रे होती है वो ट्रे है। तो ये है इसकी 6 मंथ की एक्स्ट्रा वारंटी। और ये पूरी इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसको कैसे चलाना है, क्या इसमें फंक्शंस हैं, कैसे यूज़ होता है, क्या क्या हमें इसमें हम लोग कुक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। और इसमें सब चीज़ों के बारे में मैं नॉलेज दी गई है, कौन सा बटन किस चीज़ के यूज़ होता है, कौन सी चीज़ है, तो सब हमें इसमें बताया गया है। और फिर मैंने इसमें मैनुअल पढ़ा है इसका, और फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें बाकी की सारी चीज़ें। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ये इसका वो बहुत ही अच्छा सा हैंडल है। ये ना टेम्परेचर वाला है, जिसमें आप लोग टेम्परेचर जैसे कि 50 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री ऐसा कर सकते हो। ये है जैसे 2 रॉड्स होती है, एक ऊपर एक नीचे, तो आप लोगों को कौन सी चलानी है, ऊपर वाली कि नीचे वाली या फिर दोनों, तो उसमें 2 ऑप्शंस हैं। और ये है टाइमर कि अपने आपको अपने ओवन को कितनी देर के लिए सेट करके रखना है। तो इसमें 60 मिनट तक टाइमर है। और ये रही इसकी रॉड्स, 2 नीचे हैं, 2 ऊपर हैं, दोनों साइड में इसके रॉड्स हैं। और इसमें ग्लास लगा है, तो हम लोग बाहर से देख भी सकते हैं जब हम अपनी कोई भी चीज़ को कुक करेंगे। तो ये इसमें सारे चीज़ें बताई गई हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें नहीं इसमें रखनी है और नहीं यूज़ करना है, और सारी बटन के बारे में नॉलेज दी गई है। तो अगर आपको नहीं पता है तो कैसे यूज़ करते हैं, तो इसमें जो ये बुक मिलती है ना, इससे आप लोग देख सकते हो। अब ये देखो, हैंडल को कैसे पकड़ना है वो भी बताया गया है। छोटे वाले से हम लोग ये वाला हैंडल पकड़ सकते हैं और निकाल सकते हैं, जैसे कि ट्रे कब गर्म हो जाती है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। और ये देखिए, इसमें सारी रेसिपीज़ आगे लिखी हुई हैं जो हम लोग इसमें बना सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ इसमें लिखी हैं। तो बस यही था इसका ये पूरा। और इसमें ना 3 काउंटर्स हैं, मतलब कि सबसे नीचे भी ट्रे लगा सकते हो, बीच में, मिडल में ट्रे लगा सकते हो और ऊपर ट्रे लगा सकते हो। तो ये ओवन टोस्टर एंड ग्रिलर यानी कि OTG। तो यही पूरी हमारी ओवन है। ये देखिए 23 लीटर का है। और ये देखिए ओवन टोस्टर ग्रिलर 23 लीटर का है। ये इसका पूरा बॉक्स है। इसमें आप केक भी बना सकते हो, केक भी बेक कर सकते हो, पिज़्ज़ा भी बना सकते हो, टोस्ट भी कर सकते हो, मतलब बहुत सारी अनलिमिटेड रेसिपीज़ बना सकते हो। ये है इसका प्लग, जिसको आपको अपने कनेक्टर में लगाना है और ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और ना इसमें एक रेड कलर का बटन भी होता है, जब ये ऑन हो जाता है तो वो नीचे लाइट जल जाती है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये ऑन हुआ है कि नहीं। और ये देखिए इसका क्लोज़ अप व्यू इतना सुंदर लग रहा है ना। ये देखिए, ये इसके बैक साइड है और ये है इसके फ्रंट स्विचेस, जिससे हम लोग इसे एडजस्ट कर सकते हैं, टाइमर, फंक्शन, टेम्परेचर। एंड ये रहा हमारा पूरा OTG।